subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हेमंत ALP यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने सामान्य जागरूकता का शुरुआत किया है, जिसमें हमने पिछले 3 दिनों में 3 टॉपिक्स कवर कर लिया है। जो लोग उसको नहीं देखे हैं वो लोग जाकर ज़रूर देखें। और इसी के साथ आज हमारा 4th टॉपिक है भारत और विश्व के खेल। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि सामान्य जागरूकता से 10 नंबर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो उसी के कड़ी में आज हमारा 4th टॉपिक्स है भारत और विश्व खेल। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे खिलाड़ियों की संख्या, यानी कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी। तीनों में खिलाड़ी कितने होते हैं 11। अब देख लेते हैं क्रिकेट की कुछ मुख्य बातें जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। क्रिकेट की जो गेंद होती है उसका वज़न 155 से 163 ग्राम होता है, और क्रिकेट की जो स्टंप होती है वो 28 इंच और बैट की लंबाई 38 इंच होती है। क्रिकेट की पिच जो है वो 22 गज या 20 मीटर की होती है। अगला देखते हैं, नेटबॉल, कबड्डी, वाटर पोलो। नेटबॉल, कबड्डी और वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। खो खो में कितने खिलाड़ी हैं? 9। और पोलो में कितने खिलाड़ी हैं? 7। खो खो में 9, पोलो में 4 और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 9। इसके बाद हम लोग देखते हैं रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15। और वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 है और इसका वज़न जो होता है गेंद की वो 250 से 280 ग्राम होता है। वॉलीबॉल की वज़न गेंद की 250 से 280 ग्राम तक, और खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 6। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है और गेंद का वज़न जो है वो 600 ग्राम है, जो कि सबसे ज़्यादा वज़नदार है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा खेल है जिसमें गेंद की वज़न सबसे ज़्यादा है, तो आप लोग उसको बताएंगे बास्केटबॉल, और खिलाड़ी कितने हैं? 5। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं बैडमिंटन में 2 खिलाड़ी होते हैं, टेबल टेनिस में 1 से 2 खिलाड़ी होते हैं, और इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है 6th नंबर पर बिलियर्ड्स में 3 गेंद होते हैं। इसका कलर पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्ज़ाम में, तो इसका कलर है वाइट, येलो और रेड। बिलियर्ड्स में 3 गेंद जो होती हैं इसका कलर वाइट यानी सफ़ेद, पीला और लाल है। और स्नूकर जो होता है उसमें 15 गेंदें होते हैं। टेबल टेनिस की बॉल की वज़न 2.7 ग्राम होती है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण देश एवं राष्ट्रीय खेल, उनके राष्ट्रीय खेल क्या हैं। सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? शतरंज। स्पेन का राष्ट्रीय खेल मानव युद्ध या सांड युद्ध, ये वहाँ का खेल है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। इजराइल, फ्रांस और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? फुटबॉल। इसके बाद हम लोग देखते हैं भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुचकासी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? ईरान का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है। और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। ऑस्ट्रेलिया प्लस इंग्लैंड, इन दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। और इस समय कनाडा का भी राष्ट्रीय खेल क्रिकेट हो गया है, अभी जल्द ही इसमें बदलाव किया गया था, तो अब कनाडा का पूछेगा तो राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। अब अगला है अमेरिका और वेनेजुएला का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? सीपक टकराव।
और नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, डंडी बियो, और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, जूडो। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण खेल और देश और उनके राष्ट्रीय खेल थे। अब हम और महत्वपूर्ण खेलों की तरफ रुख करते हैं, देखते हैं सबसे पहले ओलंपिक खेल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ओलंपिक खेल जो है ये सर्वप्रथम इसका आयोजन 1896 में किया गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो था इसकी स्थापना जो है ये पियरे डी कुबर्टेन जो कि फ्रांस के थे उन्होंने 1894 में किया था। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो वो थे डिमित्रियास वीके लास, ये प्रथम अध्यक्ष थे। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड लॉजेंस में इसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। अगला देखते हैं भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 ईस्वी में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1907 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सर दोराबजी टाटा। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, नीता अंबानी। तो आप लोग इसमें जो करंट में चल रहे होंगे तो आप लोग उसको पढ़ ही रहे होंगे, तो ये हम सिर्फ जो पुराने हैं प्रथम और आयोजन ये इसमें बताए हैं, जो करंट में चल रहा है वो आप लोग करंट अफेयर में पढ़ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम राष्ट्र खेल, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया, तो वर्ष 1930 में कहाँ किया गया था, हैमिल्टन कनाडा में। भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था, तो 1934 में लंदन में हुआ था, 1934 में भाग लिया था। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। राष्ट्रमंडल में कुल कितने देश होते हैं, तो 54 देश होते हैं। राष्ट्रमंडल खेल में कुल कितने देश होते हैं, 54 देश। 21वें राष्ट्रमंडल खेल में ध्वजवाहक कौन थे, तो पीवी सिंधु जो थी, जिनका खेल है बैडमिंटन, ये थी 21वें राष्ट्रमंडल खेल में ध्वजवाहक। अब लास्ट हम लोग देख सकते हैं एशियाई खेल यानी एशियन गेम्स। तो सर सबसे पहले इसमें देखते हैं प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया, तो आप लोग इसको स्टार बना लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नई दिल्ली में 1951 में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह होता है चमकता हुआ सूरज। इसका आशय है सदैव आगे की ओर अग्राहित करना, बढ़ना। 18वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व ध्वजवाहक जो थे नीरज चोपड़ा भाला फेंक ने किया था। समापन अवसर पर भारतीय दल का नेतृत्व ध्वजवाहक जो थी रानी रामपाल महिला हॉकी टीम की कप्तान ने किया था। एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, 18वें एशियाई गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक गेम से थे इन्होंने किया था। और समापन के अवसर पर भारतीय दल का नेतृत्व ध्वजवाहक जो थी और रानी रामपाल जो कि महिला हॉकी टीम की कप्तान थी उन्होंने किया। अगला देखते हैं 18वें एशियाई खेलों का आयोजन 18 अगस्त से 2 सितंबर कहाँ किया गया, तो जकार्ता इंडोनेशिया एवं पालेमबांग में किया गया था। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं 18वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था, तो भिन भिन यानी स्वर्ण चिड़िया, और उसके बाद काका एक सींग वाला गैंडा व अतुंग एक हिरण, ये इसका शुभंकर था। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो कि पहलवान थी वो कौन थी, तो वे थे विनेश फोगाट। 2018 के एशियाई खेलों में किस खेल में पहली बार वीडियो रेफरल प्रणाली का प्रयोग किया गया था, तो हॉकी में। 18वें एशियाई खेलों में 3
चीन को प्रथम स्थान, 132 स्वर्ण, 92 रजत और 65 कांस्य तथा भारत को आठवां स्थान, 15 स्वर्ण, 24 रजत और 20 कांस्य प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ये हमारे कुछ भारत और विश्व के प्रमुख खेल थे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।